curve x by equals to c square curves the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equals to 1 at 4 points. So that sum of eccentric angles of the 4 points is on multiple of 5. Now focus here ki ye hyperbola hai aur ye ellipse hai. इनके कॉमन पॉइंट्स पर बेस्ड इलिप्स के जो पैरामीटर पैरामीटर होता है उस पर बेस्ड प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है कि इलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशन मुझे कंसीडर करनी चाहिए और कॉमन पॉइंट्स के लिए हाइपरबोला में सब्स्टिट्यूट करनी चाहिए। इस इलिप्स को मैं लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू, यहाँ लिख रहा हूँ ध्यान से देखना, e cos थीटा एंड y इक्वल्स टू b sin थीटा। तो x equals to a cos theta and y equals to b sin theta, ये मैं लिखना चाहता हूँ। तो ध्यान से समझना, for one value of theta, unique point is obtained lying on ellipse. इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है समझ आ गया है। It's the parametric equation of this ellipse. अब हर theta के लिए एक unique point होगा जो कि ellipse पर lie करेगा। लेकिन मुझे और theta क्या है, eccentric angle है, ये मालूम होना चाहिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मालूम है ये और आसान है। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्लियर होना चाहिए। नाउ फोकस हियर, अगर ये पॉइंट में इस कर्व में रखूंगा कॉमन पॉइंट्स के लिए, कॉमन पॉइंट्स के लिए लाइक ध्यान से समझना, अगर मेरे पास ये एलिप्स है और ऐसे कुछ हाइपरबोला है, ऐसा जा रहा है लाइक ऐसा कुछ जा रहा है, ध्यान से देखना इस टाइप से जाएगा, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो कॉमन पॉइंट्स के लिए, ये कॉमन पॉइंट्स जो मेरे पास आएंगे, कॉमन पॉइंट्स के लिए इसेंट्रिक एंगल आ जाएगा। तो जैसे ही मैं ये पॉइंट्स यहाँ पर रखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ए बी आ जाएगा, ए बी साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा आएगा, एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर आ जाएगा। और इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो मेरे पास कॉमन पॉइंट्स के इसेंट्रिक एंगल होंगे। तो नाउ फोकस हियर, ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि मैं क्या करूं, यहाँ 10 थीटा बाई 2 में चेंज करता हूं। तो मैंने क्या किया, ये अच्छे से देखना, ए बी लिखा इसे और साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके एंड लाइक साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 210 थीटा बाई 2 अपॉन 210 थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना। और थीटा की एक यूनिक वैल्यू के लिए एक पॉइंट लाई करेगा जो कि हाइपरबोला एलिप्स पर लाई करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, 10 थीटा बाई 2 को मैं वेरिएबल मान लेता हूँ, 10 थीटा बाई 2 को लेट मैंने लैम्डा मान लिया, ओके। और लेमडा में यहां पर देखिए बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ए बी आया है यहाँ और ये कितना है, 2 ए बी कर देता हूँ, 2 ए बी 1 माइनस लेमडा स्क्वायर इंटू लेमडा इक्वल्स टू सी स्क्वायर और 1 प्लस लेमडा इज टू 4 प्लस 2 लेमडा स्क्वायर, सही है। लेमडा में ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड लेमडा का मतलब उसके चार रूट्स होंगे, हर रूट के करस्पॉन्डिंग एक यूनिट थीटा आएगा। और ध्यान से समझना, 10 थीटा बाई 2, थीटा माइनस पाई से पाई के लिए होता है, तो थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, तो लेमडा की एक यूनिक वैल्यू के लिए एक यूनिक थीटा आएगा और यहां से मेरे पास आ जाएगा, ठीक है ना। नाउ फोकस हियर, ये लेमडा में बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी है, इसको ढंग से देखना, ये इक्वेशन मेरे पास बनी है, सी स्क्वायर आ रहा है, लैम्डा की पावर 4 आ रहा है, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, अच्छे से देखिए, एंड लैम्डा क्यूब का अगर मैं कोएफिशिएंट देखूं तो यहां से आएगा ये 2 ए बी लैम्डा क्यूब आ जाएगा, एंड लैम्डा स्क्वायर का अगर कोएफिशिएंट देखूं तो यहां से आएगा प्लस 2 सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर आएगा, और लैम्डा का कोएफिशिएंट देखूं तो माइनस 2 ए बी आएगा और लैम्डा और प्लस सी स्क्वायर आएगा, ये इस टाइप की इक्वेशन आएगी। नाउ फोकस हियर कि अगर मैं यहाँ थ्योरी ऑफ इक्वेशन अप्लाई करता हूँ, ध्यान से समझता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग पार्ट से हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में अप्लाई करूंगा तो सिग्मा लैम्डा वन की वैल्यू आएगी मेरे पास माइनस 2 ए बी अपॉन सी स्क्वायर,
सही है, सिग्मा लेमडा वन लेमडा टू चार रूट्स होंगे, माइनस प्लस ये आएगा टू सी टू आएगा, सिग्मा लेमडा वन लेमडा टू लेमडा थ्री इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास माइनस, प्लस माइनस आएगा ये टू ए बी अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा, और लेमडा वन लेमडा टू लेमडा थ्री लेमडा फोर इसकी वैल्यू मेरे पास आएगी माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस वन, ऐसी वैल्यूज आ जाएगी। नाउ फोकस हियर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लेमडा वन प्लस लेमडा टू प्लस लेमडा थ्री प्लस लेमडा फोर इट मीन टेन थीटा वन बाई टू टेन थीटा टू बाई टू टेन थीटा थ्री बाई टू टेन थीटा फोर बाई टू, वेयर थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री थीटा फोर क्या है? इसेंट्रिक एंगल्स है। ओके, तो इसेंट्रिक एंगल्स के लिए इसको मैं शॉर्ट में एस वन लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या है एस टू है सम डिग्री टू एट अ टाइम, ये क्या है एस थ्री है सम डिग्री थ्री एट अ टाइम एस थ्री है, और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ ऑल फोर। ओके, तो नाउ फोकस हियर, ट्रिग्नोमेट्री का अगर आपको आइडिया है तो इस प्रॉब्लम को आगे अप्रोच कर सकते हैं। नाउ ध्यान से समझना, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ टेन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस थीटा फोर बाई टू, ओके, तो ध्यान से देखना ये चार टर्म्स है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है एस वन, एस वन और स्टैंडर्ड रिजल्ट है वन माइनस एस टू माइनस एस थ्री प्लस एस फोर, ये रिजल्ट होता है। यहां पर ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और ये मालूम ही होना चाहिए, इट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू टेन ए प्लस बी, क्या होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन टेन। इन द सेम वे अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं इसको एस वन का, यहाँ पे क्या मतलब है एस वन का मतलब सम टेकिंग वन एट अ टाइम, एस टू का मतलब क्या सम टेकिंग टू एट अ टाइम, एस थ्री का मतलब क्या सम टेकिंग थ्री एट अ टाइम। तो नाउ ध्यान से देखिए, एस वन मेरे पास ये मालूम है, मैं वन माइनस ऊपर वाले टर्म की बात नहीं कर रहा, वन माइनस एस टू की बात कर रहा हूँ, वन माइनस एस टू कहाँ गया भाई, एस टू मेरे पास सम टेकिंग टू एट अ टाइम कितना वन माइनस टू, और एस फोर कितना है प्लस वन, तो अब ऊपर जो आ रहा है वो तो आई है लेकिन अपॉन में जीरो आ गया, और टेन अपॉन में जीरो आ गया, इसका मतलब क्या है कि सिग्मा थीटा वन बाई टू मेरे पास कैसा आ गया पाई बाई टू एंड पाई प्लस पाई बाई टू आ गया। इन जनरल अगर मैं लिखना चाहूंगा पाई बाई टू आया तभी अपॉन में जीरो आया, नॉट डिफाइंड होगा, इट मीन सिग्मा थीटा वन क्या आ गया ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ गया, कैसे भी केस आप कंसिडर करें ये कैसा आ जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ जाएगा। नाउ फोकस करिए, यहाँ इंटरेस्टिंग बात क्या है कि S2 में कितने टर्म्स होंगे, कोई बताएगा S2 में टर्म्स कितने होंगे? S2 में टर्म्स आएंगे सम टेकिंग टू एट अ टाइम, सम टेकिंग टू एट अ टाइम का मतलब S3 में कितने आएंगे, एक एक को छोड़ते जाओ इसमें चार आएंगे, चार टर्म्स का सम, ये कितना है फोर सी टू आएगा, ये क्या है सम टेकिंग टू एट अ टाइम, जैसे अगर वन टू थ्री फोर फाइव करूँ तो वन टू प्लस वन फोर वन थ्री प्लस वन फोर, फिर क्या आएगा प्लस टू वन टू थ्री प्लस टू फोर प्लस थ्री फोर, लाइक इतने टर्म्स आएंगे एस टू में, एस टू में इतने टर्म्स आएंगे, छह टर्म्स आएंगे। तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम काफी इंटरेस्टिंग है, मैंने कॉमन पॉइंट्स के लिए सॉल्व किया है इलिप्स एंड हाइपरबोला के लिए, और प्रॉब्लम बेस्ड थी किस पर, कॉमन पॉइंट्स के लिए इलिप्स एंड हाइपरबोला के लिए, एंड प्रॉब्लम किस पर बेस्ड थी, मुझे इसेंट्रिक एंगल्स का सम ऑड मल्टीपल ऑफ पाई शो करना था जो कि कॉमन पॉइंट्स है उनके लिए। तो ज्यादा अच्छा क्या रहा कि मैंने इलिप्स को पैरामेट्रिक फॉर्म में कंसीडर किया और उसे हाइपरबोला में सब्स्टिट्यूट किया एंड उसको सिंप्लीफाई करके आगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन का रिजल्ट लगा, क्वाड्रेटिक का एप्लीकेशन आया, ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन आया, इलिप्स का एप्लीकेशन आया, हाइपरबोला का एप्लीकेशन आया, बहुत ही जबरदस्त बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। ट्रिग्नोमेट्री में भी अगर आपको ये रिजल्ट ध्यान होना चाहिए कैसे मैं कैलकुलेट करता हूँ 10a plus 10, 10a plus b, 10a plus b plus c, like यहाँ पर 10a plus b plus c plus d, तो ये pattern होता है जिन्हें नहीं मालूम है कि 10a plus b plus c plus d by 2 क्या by 2 या by a plus b plus c plus d कितना होता है, वो मैंने यहाँ पर यूज किया है। तो काफी अच्छी प्रॉब्लम है और मुझे लगता है ये अच्छे से समझ में आ गई है। उसको समझने के लिए सेंट्रिक एंगल इलिप्स का मालूम होना चाहिए, हाइपरबोला मालूम होना चाहिए, थ्योरी ऑफ इक्वेशन के बारे में आइडिया होना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आइडिया होना चाहिए, कैसे मैं
इलिप्स और हाइपरबोला को कॉमन पॉइंट्स के लिए सॉल्व किया। क्यों मैंने इलिप्स को हाइपरबोला में सब्स्टिट्यूट किया, हाइपरबोला को इलिप्स में सब्स्टिट्यूट नहीं किया? बिकॉज द प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन इसेंट्रिक एंगल्स, द पैरामीटर ऑफ इलिप्स, जो पॉइंट्स इलिप्स पर लाई कर रहे हैं उन पॉइंट्स के पैरामीटर पर बेस्ड है और इलिप्स के पैरामीटर पर बेस्ड है। ओके, तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम है और मुझे लगता है समझ में आ गई। ठीक है।